सो गाइस ये गया डोसा का बर्गर। अल्लाह अल्लाह, मैकडी का मतलब पूरा रेनोवेशन हुआ है, तो बहुत दिन से बंद चला था, शायद आज ही खुला है क्योंकि बलून वगैरह भी लगा उसमें। मैकडी कितना पहले से डेवलप हो गया, मतलब पूरा चेंज हो गया, इंटीरियर भी यहाँ का पूरा चेंज हो गया, और अब हम यहाँ खड़े होकर ऑर्डर, जैसे अभी हम ऑर्डर किए हैं वैसे ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइड ब्लॉग गाइस, और आज है मंडे और अभी फिलहाल सब लोग घर में सोया है, तो अभी चलते हैं उत्पम बनाने। सब लोग सोया गाइस, तो चलते हैं हम अपने हाथ से खुद आज उत्पम बनाएंगे। सारा सामान वगैरह यहाँ पे रेडी है, ये है उत्पम का बेकर और ये है रिफाइन और ये है नॉनस्टिक तवा। गाइस बहुत दिन बाद ऐसे उत्पम बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, इसको पलटते हैं। आहा, ये देखिए गाइस क्या मस्त बना है, ये बना एकदम मस्त सा, ये बन गया हमारा पहला उत्पम। अब दूसरा बनाते हैं। शायद ये थोड़ा सा लाल हो गया, बट उतना भी मतलब जला नहीं है, बस लाल हुआ है। क्या मस्त गुड़गुड़ सा उत्पम बना है। अभी के लिए पहले दो खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगर भूख लगे तो और लेंगे। फाइनली हमारा उत्पम रेडी हो चुका है और अब इसको खाते हैं। देखने में तो सही लग रहा है, खाने में देखते हैं कैसा है। बहुत ही अमीर है, एक नंबर बना है, लाइक लिटरली अच्छा बना है। सो गाइस हम वापस से किचन में आ गए और अब बनाने जा रहे हैं पेपर डोसा। ये है पेपर डोसा का बेकर। सो गाइस ये गया डोसा का बेकर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सो गाइस ये थोड़ा ख़राब हो गया, ये पहला डोसा ख़राब हो गया, मतलब बहुत दिन बाद बनाए थे, नरक कर दिए गाइस। कोई बात नहीं, लिबड़ी बताना हो गया गाइस। सादा उत्पम बन गया गाइस, क्या ये वाला डोसा भी बर्बाद हो गया, बट कोई बात नहीं, इसको भी हम खा लेंगे, क्या ही करना है, चटनी से बस खा लेंगे। सर डोसा जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे गाइस। उत्पम हम थोड़ा सही से बना रहे हैं। या फाइनली ये भी रेडी हो गया, एक उत्पम और दो छोटा छोटा अजीब सा डोसा। अब चलते हैं रूम में और इसको भी खा लेते हैं। अपने रूम में आ गए, पहले ये जो अजीब सा डोसा बना है इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्या ही है, बस खाली थोड़ा मोटा हो गया, वरना डोसा तो डोसा ऐसे ही होता है। एकदम परफेक्ट लग रहा है गाइस, कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही कि बस थोड़ा मोटा बन गया उत्पम जैसे। सो गाइस अभी शाम हो गए हैं और अभी शाम के 6:50 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं घर से निकलने। हमें चलना है गिरीश होगा जो कि है वेलू पर, तो हमें उनके काम के बारे में थोड़ा बात करना है, तो चलिए गाइस चलते हैं। अभी शाम के 6:52 हो गए हैं गाइस, यहाँ से डायरेक्ट गिरीश होगा चलेंगे, गिरीश होगा के वेलूपुर वाले ब्रांच पर चलना है। तो मम्मी जा रहे हैं ना, जा रहे काम से, बेलूपुर जाना, बेलूपुर चलते हैं गाइस, घर से निकलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पहुँच गए हैं ग्रीन शोभा बेलूपुर में, जो कि है हमारे पीछे, और ये है आईपी विजय के जस्ट सामने इधर वाले रोड पे। तो अब चलते हैं अंदर अपना बात वगैरह करके, फिर चलेंगे यहाँ से घर। चलिए गाइस, तो गाइस ग्रीन शोभा से निकल गए हम और अब चलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम हैं बेलूपुर पर और अब चलेंगे यहाँ से हम लोग घर। अब गोप्रो को ट्राई करते हैं इसको माउंट करने का, अगर इसको लग जाएगा तो फिर चलेंगे। तो गाइस ये देखिए आंधी आ गया है, बहुत तेज हवा चल रहा, आंधी आंधी पूरा, देखिए गंदगी पूरा कूड़ा उड़ने लगा।
तो गाइस हम घर वापस आ गए थे और अब चल रहे हैं भैया के साथ माला लेने हम और भाई। तो भाई जी देखिए आंधी तूफान आई गया, तब जब हम वहाँ जब भेलूपुर थे तभी आंधी तूफान आ रहा था, अभी भी देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है। गाइस बड़े भाई यहीं पर रहेगा और हम चलते हैं, ये देखिए आईपी, इसमें मैकडी पूरा चेंज हो गया है, तो चलते हैं हम लोग मैकडी में। मैकडी का मतलब पूरा रेनोवेशन हुआ है, तो बहुत दिन से बंद चला था, शायद आज ही खुला है क्योंकि बलून वगैरह भी लगा उसमें। तो चलिए गाइस देखते हैं। ये देखिए गाइस बाहर से लग चुका है मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड और एम बड़ा वाला उनका साइन मैकडॉनल्ड्स, शायद आज ही रीओपन हुआ। ये देखिए गाइस बलून वगैरह लगा है, पहले से काफ़ी चेंज लग रहा है। तो इधर से ऑर्डर कर सकते हैं हम, तो वैसे उधर कार्ड वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा था तो इधर से ऑर्डर कर लेते हैं, इसमें कार्ड वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है तो स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। और कितना चेंज हो गया मैकडी, पहले यहाँ से पूरा ऑर्डर होता था बट अब यहाँ से अपने से भी कर सकते हैं। तो ईटन बर्गर्स एंड रैप में देखते हैं, स्पाइसी चिकन वेज महाराजा मैं बटर पनीर हम लेंगे, मैकवेजी और आइटम बोलिए टू ऑर्डर, बैग में ऐड हो गया। और बेवरेजेस में देखते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, इसमें कोल्ड कॉफ़ी शायद यहाँ बनारस वाले में कोल्ड कॉफ़ी नहीं है। स्नैक्स में फ्राइज वगैरह है, स्मार्ट पफ है, डेजर्ट में मैक्सवेल एंड ऑल है, हैप्पी मील मैकवेजी मील 269 का, इसलिए कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसको कैंसिल कर लेते हैं और डबल पेटी बर्गर कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते और मैकवेजी डबल पेटी बर्गर लेंगे। 45 फ्राइज भी ले लेते हैं। तो हमारा टोटल ऑर्डर हुआ, हमारा ऑर्डर का टोटल हुआ 184 एट टू ऑर्डर्स। यू माई ऑर्डर, नो थैंक यू एंड कंप्लीट ऑर्डर, पे हियर, कार्ड से पे करेंगे। एक सीट और पिकअप एट द काउंटर, पिकअप एट द काउंटर कार्ड, तो यहाँ पे कार्ड लगाएंगे गाइस, इसमें कार्ड लगा देते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया एंड आर ऑर्डर नंबर इज 22। ये हमारा बिल आ गया एंड ये हो गया हमारा ऑर्डर कंप्लीट। तो अब बिल लेके चलते हैं काउंटर पे, अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, इसको टेक अवे कर दीजिएगा ठीक है। सो गाइस अब वेट करते हैं, हमारा ऑर्डर अभी यहीं से आ जाएगा, बिल हमने दे दिया आपको। और एक्डी कितना पहले से डेवलप हो गया, मतलब पूरा चेंज हो गया, इंटीरियर भी यहाँ का पूरा चेंज हो गया और अब हम यहाँ खड़े होकर ऑर्डर जैसे अभी हम ऑर्डर किए हैं वैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कितना सही हो गया पहले से। सो गाइस ये आ गया हमारा ऑर्डर और अब चलते हैं बाहर, भैया भैया वेट कर रहे हैं हमारा और बाहर चल के खाएंगे, बड़े भाई बाहर ही है तो उसी के साथ खाएंगे, लेके चलते हैं गाइस। मैकडी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया पहले से और आइसक्रीम वाला सेक्शन है उसका, डेजर्ट वाला सेक्शन अभी भी यहाँ पे है, यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं मैकफ्लेरी या नॉल। ये है हैप्पी शिगरा वाला मैकडी, अब चलेंगे बाहर खाएंगे। बारिश होने लगा गाइस, मतलब हल्का हल्का बारिश हो रहा है, लो उसको खोलो बहुत खाओ गाइस। अब बर्गर और फ्राइज खाने के बाद मिलते हैं, तो पहले खा लेते हैं गाइस। अब मैकडी से बर्गर खा चुके हैं और अब आए हैं घर के लिए पैक कराने कुछ चीज़, तो जायका में यहाँ से पैक कराएंगे। कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक्सपायर्ड थम्स अप भैया बोला है और हम लेंगे कोक। सो गाइस पार्सल हो गया हमारा, भैया कुछ घर के लिए सामान भी ले लिया है जनरल स्टोर से। हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रहा है, हल्का फुल्का बारिश हो ही रहा है यहाँ पे। सो गाइस हम गोदौलिया आ गए, अब बस घर पहुँच जाएंगे फिर। अब क्या बढ़िया गोदौलिया पूरा जगमगा रहा है, माला लेने आ गए हम, भैया जाएगा माला मंडी से माला ले लेगा और हम यही गाड़ी पे बैठ के वेट करेंगे भैया का, सारा सामान यहीं पे टंगा हुआ है। माला लेके हम निकल गए और अब चल रहे घर, बारिश यहाँ पे थोड़ा तेज़ हो चुका है और ये देखिए विश्वनाथ टेम्पल के पास से हम आगे चल रहे हैं, अब बारिश धीरे धीरे थोड़ा तेज़ हो रहा है। जब आदमी हो तुम भी उसको एकदम छू के उसको क्या क्या हरकत कर रहे हो,
कोल्डिंग नहीं मिला बड़ा वाला। सो गाइस उधर कोल्डिंग नहीं मिला तो हम आ गए इधर मस्जिद के बाहर लेने चौक वाले। कौन सा ले रहे हो? कोला नहीं है? हम लेके नहीं बैठ पाएंगे। ये देखो यस इसको बोला है यार ब्लॉगिंग चल रहा है। तो गाइस हम घर वापस आ गए और यहाँ पे क्या चल रहा है? छोटे भाई के एंगेजमेंट का शादी का हल्दी है। अच्छा शादी का हल्दी का। ये गन्नू ले लो, क्या हो गया, क्यों रोने लगा? तो गाइस अब रात हो चुका है तो अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो ये था हमारा आज का व्लॉग गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग साइड व्लॉग्स। बाय।